सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पीएलसी पैनल है। इस पीएलसी पैनल में सिर्फ कंट्रोलर, आप ऊपर वाली रैक देख रहे होंगे, उस रैक में आपको कई सारे कार्ड दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये इनपुट एआई एओ डीआईडीओ कार्ड्स हैं। इसमें एक जो खाली जगह दिख रही है दोस्तों, ये दोस्तों कंट्रोलर की जगह है। तो हर पीएलसी पैनल पे सबसे पहले तो जो चीजें होती है वो आपको बता दूं कि एक कंट्रोलर होता है जो यहाँ पे लगा नहीं है। इसके अलावा उसके कार्ड्स होते हैं, इनपुट कार्ड्स होते हैं और आउटपुट कार्ड्स होते हैं। तो इनपुट कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग इनपुट होता है दोस्तों, एक डिजिटल इनपुट होता है। उसी तरीके आउटपुट कार्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग आउटपुट होता है और एक डिजिटल आउटपुट, जिसे हम शॉर्ट में एआई एओ और डीआईडीओ बोलते हैं। तो वो सारे कार्ड्स ये लगे हुए हैं दोस्तों। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पीएलसी पैनल में, वो होती है पावर सप्लाई। किसी भी कंट्रोलर को चलाने के लिए दोस्तों पीएलसी के हमें 24 वोल्ट डीसी चाहिए होती है। तो ये पावर सप्लाई जो है वो 230 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करती है। वो पावर सप्लाई हमारे कार्ड्स में भी जाती है और वो पावर सप्लाई हमारे कंट्रोलर में जाती है। तो ये हो गई हमारी तीन चीजें। इसके बाद दोस्तों इसमें रिले होती हैं। रिले दोस्तों होती किसके लिए? रिले दोस्तों होती हैं डिजिटल आउटपुट के लिए दोस्तों। किसके लिए होती है दोस्तों? डिजिटल आउटपुट के लिए। जो कमांड डिजिटल डीओ देता है उसको रिले के थ्रू हमें देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आइसोलेटर वाली रिलेज होती है और कुछ इसमें आइसोलेटर्स होते हैं। ये एक एक करके मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन बताता हूँ कि क्या क्या होता है। उसके नीचे टीवी होती है जो हमारे वायर फील्ड से आते हैं और फील्ड को जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एआईओ और डीआईडीओ क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे कई सारे एनालाइजर लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, ये एक पीएस का एनालाइजर है, एक टीएसएस का एनालाइजर है, एक बीओडी का एनालाइजर है और एक कंडक्टिविटी का एनालाइजर है। तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, फील्ड से डाटा उठा रहे हैं। मतलब मेरा फील्ड पे क्या डाटा चल रहा है वो डाटा ये ट्रांसमीटर्स बता रहे हैं। अब यही चीज मेरे को सिस्टम में चाहिए, तो ये क्या करेंगे, यहां से ट्रांसमीटर से एक आउटपुट निकलेगा। 2 कोर का भी हो सकता है केबल, 3 कोर का भी केबल हो सकता है। तो वो केबल जो दोस्तों है वो ट्रेंच के थ्रू और केबल ट्रे के थ्रू, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे केबल ट्रे ऊपर आपको दिख रहे होंगे, तो केबल ट्रे के थ्रू जो है दोस्तों हमारे सिस्टम में नीचे से एंट्री करते हैं। तो यहां से एंट्री करने के बाद दोस्तों सबसे पहले अगर केबल जो आता है फील्ड से या फील्ड को जाता है तो वो केबल यहाँ टीवी में आएगा। तो एक बात आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो मैंने एनालाइजर दिखाए उसके जो आउटपुट है वो यहाँ टीवी पे आ गए। अब दोस्तों एनालाइजर हो गया या प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया या लेवल ट्रांसमीटर हो गया, ये दोस्तों एनालॉग इनपुट निकालते हैं, यानी ये जो देंगे ये आउटपुट भेजेंगे और यहाँ पे जो आएगा वो बन जाएगा एनालॉग इनपुट। तो यहाँ पे एआई कार्ड आ गया। एआई दोस्तों होता है 4 to 20 मिली एम्पियर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एआई एओ जो होते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर पे काम करते हैं और जो डीआईडीओ होते हैं वो दोस्तों हाई या लो पे, यानी 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, यानी एनर्जाइज होगा या डी एनर्जाइज होगा, इसीलिए रिले यूज करी जाती है। तो एआई यानी एनालॉग इनपुट यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से क्या किया गया, यहाँ से आप रेड वाला जो वायर देख रहे होंगे ये वायर्स गए हैं एआई कार्ड में। तो ये जो आपको फील्ड से इनपुट मिल रहा था वो कार्ड में गया और ये कार्ड जो है वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है, जो यहाँ पे रखा नहीं है वो सिस्टम में इस वैल्यू को दिखा देता है। तो ये हो गया दोस्तों एआई कार्ड की वायरिंग फील्ड से कैसे हो रही है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो लेवल का हो, प्रेशर का हो, पीएच हो, जिसमें आपको वैल्यू दिखे, वो वैल्यू जो है हमारे फील्ड से लेके हमारे कैबिनेट तक आएंगी, कैबिनेट में हमारी टीवी से होते हुए हमारे कार्ड पे जाएगी और वो कार्ड से कंट्रोलर पे जाएगी। कंट्रोलर को अगर कोई एक्शन लेना होगा तो वो एक्शन जो है एओ, अब मान लीजिए सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई कंट्रोल वॉल है, आपने वैल्यू सेट कर रखी है लेवल की कि 50% होना चाहिए और वो लेवल का जो है अभी वो 45% हो रहा है, तो क्या करेगा कंट्रोल वॉल, एक एओ एनालॉग आउटपुट निकालेगा कि भाई कंट्रोल वॉल और खुले ताकि मेरा लेवल बढ़ जाए। तो एओ से यहां से निकलेगा और यहां मेरी टीवी पे आएगा, फिर यहां से टीवी से मैं एक वायर डालूंगा और मेरे कंट्रोल वॉल पे चला जाएगा और वो कंट्रोल वॉल को आउटपुट देके इंक्रीज कर देगा ताकि पानी का फ्लो ज्यादा हो जाए। तो ये हो गई एओ कनेक्शन की बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो कैसे होता है। अब हम आते हैं कि डीआई और डीओ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डिजिटल इनपुट हमको कहां से मिलेगा, जो यहां पे इनपुट होगा वो दोस्तों वो फील्ड से आ रहा होगा। सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपका कोई लिमिट स्विच है, तो लिमिट स्विच क्या हुआ कि लिमिट स्विच हमने किसी इंस्ट्रूमेंट में लगा रखा है कि वो जैसे ही एक ओपन पोजीशन में आ गया लिमिट स्विच एक्टिवेट हो गया, उसने एनसी बना दिया और वहां से एक सिग्नल आया एनसी का, वो मेरे इस टीवी पे आया और टीवी से मैंने किस में दे दिया, हमारे डीआई
कार्ड में, तो मेरे डीआई कार्ड में जैसे ही सिग्नल आ जाएगा एनसी का, तो डीआई कार्ड समझ जाएगा कि वो चीज ओपन हो गई। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें 4-20 मिली एम्पियर नहीं चलता है, डायरेक्ट हमारे पास एनसी या एनओ का फॉर्म में सिग्नल आएगा, वो यहाँ पे कार्ड पे आएगा, कार्ड से हमारे कंट्रोलर में चले जाएगा, कंट्रोलर हमारे डिस्प्ले में दिखा देगा जो भी हमारे स्काडा होगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है डीओ, अब डिजिटल आउटपुट निकाला। मान लो आपको कोई चीज मोटर को स्टार्ट करना है, मोटर को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, तो स्टार्ट स्टॉप वाले सिग्नल दोस्तों जो है वो डीओ में आते हैं, डिजिटल आउटपुट में। और मोटर अगर चल गई है तो उसका रन का सिग्नल जो आएगा वो किसमें आएगा दोस्तों, वो आएगा डीआई में। तो आपने यहां से क्लिक कर दिया कि मेरी मोटर चल जाए, कंट्रोलर पे स्टार्ट गया, कंट्रोलर ने कार्ड को कमांड दिया, कार्ड ने क्या किया, रिले को एक्टिवेट किया। अब देखिए दोस्तों डीओ जो है हमेशा रिले से होके जाएगा, तो डीओ का आउटपुट आएगा रिले पे, तो रिले क्या हो जाएगी, रिले को मिलेगा एनसी, रिले हो जाएगी एनर्जाइज। ये रिले लगी हुई है दोस्तों बीच में हर एक कार्ड की, रिले हो जाएगी एनर्जाइज। जैसे एनर्जाइज हो जाएगी तो रिले बना देगी एनसी, एनसी बना देगी, तो यहां से देखिए एनओ एनसी आपको दिख भी रहा होगा, तो ये कमांड जाएगी आपके किसमें, मोटर पे, कि मोटर पे एनसी पहुंच गया है फील्ड से, तो मोटर हो जाएगी स्टार्ट। तो इसीलिए रिले यूज करते हैं। अब रिले दोस्तों, रिले एनर्जाइज हो जाएगी तो कॉन्टैक्ट परमानेंट बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट में एक फिलॉसफी होती है कि कॉन्टैक्ट जो है ना परमानेंट नहीं होने चाहिए, जो कॉन्टैक्ट परमानेंट होंगे वो इलेक्ट्रिकल साइड से होंगे। यहां से एक बार जब कमांड चली गई तो इलेक्ट्रिकल में जो हमारे एमसीवीज हैं, माफ कीजिएगा एमसीवीज नहीं, कॉन्टैक्टर्स जो होते हैं, वो कॉन्टैक्टर को एक बार क्या कर देगी, होल्ड में डाल देगी, यानी लैच कर देगी, और वो परमानेंट लैचिंग कॉन्टेक्टर पे बनी रहेगी। यहां वाली लैचिंग जो होती है दोस्तों 5 सेकंड बाद खत्म हो जाती है, इसीलिए परमानेंट लैचिंग कभी भी डीसीएस पैनल की रिले में नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जहां पे ऐसा होता है वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कई बार काफी ज्यादा बार खराब होने लगती है, इसीलिए परमानेंट लैचिंग जो है दोस्तों कॉन्टेक्टर में हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर में। कमांड यहां से चली जाएगी और होल्डिंग जो होगी वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर में होगी। ये तो हो गया दोस्तों डीओ का सिस्टम। अब इसके नीचे ये क्या दोस्तों, ये क्या चीजें होते हैं, ये होते हैं दोस्तों आइसोलेटर। अब आपको सपोज करिए, जैसा कि मैंने आपको ये एनालाइजर दिखाए थे, ये एनालाइजर की रीडिंग जो है आपको पैनल के अंदर ही भेजनी है और बाहर आप खड़े हो वहां भी दिख जाए, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है ना कहीं पे टैंक का लेवल भी आ रहा है, पीएच भी आ रहा है, कई सारे कंडक्टिविटी भी आ रही है, ओआरपी भी आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी आए और वहां पे भी आए। तो दोस्तों वो कैसे होता है वो अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। यहां से दोस्तों जो मेरे ट्रांसमीटर से आउटपुट निकला वो आउटपुट दोस्तों जो है मेरा पैनल पे गया, पैनल से दोस्तों वो आउटपुट मेरा जाएगा दोस्तों इस आइसोलेटर में। ये आइसोलेटर क्या करेगा, इस आइसोलेटर में आप देख रहे होंगे दो एलईडी चल रही है, तो दो एलईडी का मतलब इसके दो आउटपुट निकलेंगे। तो दो आउटपुट कैसे, जो मैंने एक आउटपुट फील्ड से दिया है वो इस पे मैं इनपुट दूंगा और ये वही सेम वैल्यू के दो आउटपुट निकालेगा। दोस्तों आपने अगर कंडक्टिविटी का दिया था तो कंडक्टिविटी के दो आउटपुट निकलेंगे, वो एक आउटपुट जो निकलेगा वो किस पे जाएगा, एक आउटपुट जाएगा वो आपके जाएगा इसमें कार्ड में, जो कार्ड सिस्टम में चला जाएगा, और एक आउटपुट दोस्तों निकल के आपके हमारे बाहर वाले डिस्प्ले में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को दो जगह, तीन जगह भी देख सकते हैं, चार जगह भी देख सकते हैं, लेकिन चार जगह नहीं इतना बेनिफिशियल होता है, दो जगह बहुत ही सफिशियंट होता है। तो ये काम है आइसोलेटर का। तो दोस्तों ये है आइसोलेटर जो किसी भी सिग्नल को दो पार्ट या तीन पार्ट में सेम वैल्यू का कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे वायरिंग होती है, वायरिंग के अलावा इसमें पैनल में अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पैनल डीसी में चलता है, थोड़ी सी भी अगर एसी की स्पाइक आ गई और वो ग्राउंड नहीं हो पाई तो ये पैनल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये थी बेसिक चीजें जो किसी भी एक पीएलसी पैनल पे होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है दोस्तों कमेंट करके पूछिएगा, और ये वीडियो आप दोस्तों तक और शेयर करिएगा, और चैनल को वापस उसी मुकाम पे लेके आइएगा जहां पे ये जिसने हैक किया था। थैंक यू दोस्तों।